मिथुन राशि आज का राशि फल यानी कि 22 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिथुन स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज तिथि है दशमी और दशमी उपरांत एकादशी भी होने वाला है। आज नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, पक्ष है कृष्ण पक्ष और आज दिन है शुक्रवार। आज सूर्योदय होगा 6:48 में और सूर्यास्त होगा 5:25 में और आज चंद्रोदय होने वाला है 2:59 में अगले दिन और चंद्रास्त होगा 2:41 में और आज चंद्र राशि कन्या है और आज का दिन है कुल मिलाकर 10 घंटे 36 मिनट 22 सेकंड का और अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीना और आज आपके लिए शुभ समय है। जिस अवधि में आप कोई शुभ कार्य कर सकते हो वो समय है 11:45 से 12:28 के बीच में। दोस्तों आपको मेरी सलाह है कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो तो वो शुभ कार्य इस समय के दौरान ही करें और अशुभ काल है 8:56 से 9:38 के बीच में और दोबारा है 12:28 से 1:10 के बीच में। तो इस अवधि में आप कोई शुभ कार्य न करें और आज राहु काल शुरू होता है 10:47 से 12:07 के बीच में और दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या फिर आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर आप कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी, तो आप व्हाट्सएप ही करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आप पिछले कुछ वक्त से किसी बीमारी से परेशान थे या बीमारी के चपेट में थे तो आज आपको उससे राहत मिलेगी या उसका प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। दोस्तों धन के लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, शानदार है। अगर आपका पैसा कहीं बहुत समय से अटका हुआ था, आपको नहीं मिल रहा था, तो आज अगर आप प्रयास करते हो तो वो पैसा आपको मिल जाएगा और उस पैसे से आप अपना कुछ काम कर सकते हो। और तो और आज अगर आप धन का निवेश करते हो अपने काम काज में तो निवेश के लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, शानदार है। और अगर आप निवेश करते हो तो उस निवेश के माध्यम से आपको धन का लाभ काफी ज्यादा होगा। लेकिन निवेश करने से पूर्व आप जहां कहीं निवेश कर रहे हो उसके बारे में आप सारी बातें जान लो, एक प्लान बना लो और आप प्लान के अनुसार ही काम करो ताकि आपको दिक्कत ना झेलनी पड़े। अब है आपका पारिवारिक जीवन तो ये आज बहुत अच्छा है, शानदार है। आज आपके फैमिली लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, घर परिवार के लोग आज मिलजुल कर रहने वाले हैं। अब है आपका प्रेम संबंध तो प्रेम के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने मिथुन स्पेशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटे को ऑन कर लें यानी कि नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लें और वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दोस्तों प्रेम के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, शानदार है। आज आप खुद को प्रेम की नदी में डूबा हुआ पाने वाले हैं यानी कि आज आपके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम का बुखार ही चढ़ने वाला है। और तो और आज से अगर आप प्रेम संबंध की शुरुआत करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, दिक्कत आपको नहीं आएगी बल्कि इससे आपका बहुत दिन अच्छा गुजरेगा। आज आप जब भी फ्री बैठे रहो तो आप समय का दुरुपयोग ना करो और उस टाइम का अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उपयोग करो। उस समय में आप कुछ योजना बनाओ कि आप कल क्या करने वाले हो। अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आज आप जहाँ कहीं रहते हो वहाँ आपके आसपास के लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे और अगर वो कोई कार्य करते हैं तो वो आपसे आपकी राय पूछेंगे और आपकी राय को वो बिना सोचे बिना समझे मान लेंगे।
अब है वैवाहिक जीवन जो कि आज बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज आपके लिए उपाय ये है कि आप तुलसी के पेड़ में शाम के वक्त एक दिया जलाएं, इससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो मित्रों हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, भारत माता की जय हो, जय मैया पार्वती, जय सियाराम।